बहुत अच्छा है आपके सवालों का जवाब देने का। एक आपका सवाल बहुत कॉमन रहा है और वो ये रहा है कि भाई गुड्स जो ट्रेन रहती है इसका कोई शेड्यूल क्यों नहीं रहता, मतलब जहां मन चाहे वहां खड़ी रहती हैं, घंटों घंटों हो जाता है, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्या रीजंस रहता है, और भी बहुत सारी चीजें वो लोग पूछते हैं कि इतने टाइम में एक मालगाड़ी मतलब एक गुड्स ट्रेन क्यों नहीं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा और एक गुड्स का जो संचालन होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक इनिशियल ट्रेन मैनेजर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो उसकी गुड्स की वर्किंग है वो कैसी है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों उसकी गाड़ियाँ सेक्शन में रहती हैं, क्यों नहीं चल पाती हैं या क्यों टाइम टेकन रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज आपको ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, 2 से 3 से 4 मिनट की वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो जैसे कि आज आप लाइव देखिए, मैं जो खड़ा हूँ, देखिए मेरे बराबर में भी एक ट्रेन खड़ी है, मेरे बराबर में भी एक ट्रेन खड़ी है, ठीक है, और आप उधर देखेंगे उधर भी 3 ट्रेनें खड़ी हैं, मतलब जो सेक्शन है ये जो यार्ड है इस यार्ड में चारों तरफ ट्रेनें हैं जिसका अभी संचालन नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्लॉक लगा है। देखिए बहुत सारे रीजन होते हैं जब एक गुड्स ट्रेन नहीं चलती है, कि हो सकता है कि हमारा जो आगे जो एरिया है मतलब आगे जो हमारा ब्लॉक सेक्शन है हो सकता है कि उसमें वर्क चल रहा हो, या फिर जो हमारा स्टेशन सेक्शन है हो सकता है उसमें वर्क चल रहा हो, या फिर हमारी गाड़ी परमिट ना हुआ हो, या फिर आगे बंचिंग हो गई हो। बहुत सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से एक जो मालगाड़ी का जो संचालन होता है वो समय रहते नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए ये जो हमारा ट्रैक होता है ना, ठीक है, ये जो ट्रैक होता है इस ट्रैक को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब टीआरटी डिपार्टमेंट के साथ काम करता था, ठीक है, जब हम लोग PQRS वर्क करते थे, तब मुझे ये एक्चुअल पता चला कि जो ट्रैक होता है ना कि इसके मेंटेनेंस की कितनी जरूरत है, क्यों मतलब इतना नीडेड होता है इसको मेंटेन करने का। तो जैसे कि अभी हमने भी PQRS का वर्क कराया तो हमने स्लीपर्स उसमें किया था, मैं कुछ वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो एक इम्प्रूवमेंट है, जब आगे स्पीड का मतलब इंक्रीजमेंट होगा तब वो चीज़ यूज में होगी, या फिर अगर आपको लगता है कि आपका ट्रैक थोड़ा सा वो हो रहा है तो उसका वो मेंटेनेंस होता है। ठीक है, ऊपर ये जो आप देख रहे हैं सारा, ठीक है, ये जो आपका जो OHE डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो ये सब वायर है। तो जब ये सारे काम होते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर जब अपने पेशेंट को देखता है तब सारी चीज़ें रुक जाती है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर जाता है तो बाकी की सारी चीज़ें एकदम शांत हो जाती है, उसी तरीके से हमारा इसका होता है कि जब भी हमारा कोई भी ब्लॉक लगता है, कोई भी काम होता है, तो जो भी संचालन होता है वो संचालन रुक जाता है। लेकिन एक चीज़ है, कोई भी इस तरीके का जो ब्लॉक वर्क होता है ना, ये आपका दिन में ही रहता है, रात में नहीं होता है। तो जिसकी वजह से जो हमारी रात में जो मेल का संचालन होता है वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से होता है, और जो दिन में हमारा जो गुड्स का संचालन होता है वो इसी के रहते रह जाता है, क्योंकि ब्लॉक सेक्शन में काम चल रहा। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, तो होपफुली आज आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो गुड्स का संचालन होता है जब भी ट्रैक पे कुछ काम चल रहा होता है, सेक्शन में कोई काम चल रहा होता है, या स्टेशन बिल्डिंग स्टेशन सेक्शन में कोई काम चल रहा होता है, चाहे TRD डिपार्टमेंट का हो, चाहे PQRS डिपार्टमेंट का हो, ठीक है, चाहे OHE डिपार्टमेंट का, किसी का भी काम चल रहा हो, चाहे सेक्शन में और भी काम चल रहा हो, चाहे बिल्डिंग का ही क्यों ना काम चल रहा हो, कुछ भी काम चल रहा हो, उस टाइम पे ब्लॉक लगता है, और जिस टाइम पे ब्लॉक लगता है उस टाइम पे हमारे सेक्शन की सारी गाड़ियां रुक जाती हैं जो वहां से पास होने वाली हैं, और फिर काम होता है। और हमेशा मतलब मैक्स टू मैक्स ये चीज गुड्स ट्रेन के टाइम पर ही रहता है, मेल के टाइम पे इस चीज को नहीं करते हैं, मेल के टाइम इस तरीके से रखा जाता है ताकि मेल का संचालन प्रॉपर तरीके से होता रहे, लेकिन गुड्स का संचालन में कर दिया जाता है। क्योंकि देखिए सीधी सीधी बात यह है, मेल बना ही इसलिए गई है ताकि समय रहते पैसेंजर्स को पहुंचा सके, गुड्स में ठीक है थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है लेकिन वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि काम अपने इसका चला होता। तो ये एक यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए था कि जो गुड्स का संचालन होता है वो इस, लेकिन अगर एक गुड्स का संचालन हो रहा है तो जैसे आप सभी को मैंने बताया कि गुड्स का टाइम नहीं रहता, शेड्यूल रहता है, बहुत समय लग जाता है पहुंचने में, तो ट्रेन मैनेजर को क्या करना है, सवाल ये उठता है। तो ट्रेन मैनेजर अपने पास भरपूर पानी रखे, ठीक है, अच्छे से पानी रखे, खाने पीने की चीज़ें अपने पास रखें जिसमें ड्राई फ्रूट्स हो सकता है, ठीक है, उसके पास उसके फ्रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक वो रख सकता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, लेमन वाटर हो गया, वो अपने पास रख सकता है, बिस्किट रख सकता है, नमकीन रख सकता है, चिप्स कुरकुरे पापड़ जो भी उसको लगता रहता है, चने रख सकता है, भुने चने रख सकता है, ठीक है, मुरमुरे रख सकता है, ठीक है, और भेलपूड़ी रख सकता है, जो भी चीज़ें वो खा सकता है, जो भी उसे पसंद है, मूंगफली भुनी हुई मूंगफली रख सकता है, खजूर रख सकता है। जैसे कि मैं अगर अपने बैग में बात करूँ तो देखिए मेरे पास आपको चना मिलेगा, गुड़ आपको मिलेगा, नमकीन मिलेगा, आपको बिस्किट मिलेगा, ठीक है, आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, लेकिन फ्रूट्स में सिर्फ आपको ज़्यादा नहीं, सबके एप्पल मिल सकता है बट केला नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, और मेरी वाइफ जो है वो भुनी मूंगफली
को करके रखती है, प्लस साथ में मखाने रखती है तो वो भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं, एक ट्रेन मैनेजर को अपने पास ये सारी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि कभी अगर वो लेट हो रहा है तो अगर उसको भूख लगी तो वो उसे खा सके। पानी, इसलिए अभी तो मौसम अच्छा है लेकिन गर्मी में बहुत दिक्कत हुई, तो पानी की मात्रा भी अपने पास बहुत रखे। तो ये आज दो चीजें थी। पहला, हमारे जो गुड्स का संचालन होता है क्यों प्रॉपर समय रहते नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्लॉक सेक्शन में काम चल रहा था इसलिए गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। आगे बंचिंग हो सकती है या आगे और भी काम हो सकता है, इस वजह से नहीं चल पाता है। लेकिन उस टाइम पे एक ट्रेन मैनेजर को ध्यान रखना है अपना, तो खाने पीने का उसको प्रॉपर ध्यान रखना है और अपना उसको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो ये आज दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया, बहुत होपफुली आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा हो। तो बस थैंक यू सो मच, बाकी और भी यूजफुल वीडियोज़ मेरे को होगा मैं आपको बताऊँगा। बस मेरा मोटिव रहता है कि आप सीखें चीजों को, आप जाने सीखो चीजें सीखो को, आप इसका कोई गलत मतलब मत निकालिए, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के तौर पे आप इस चीज को लीजिए कि एक बंदा मेहनत करके चीजों आपको बता रहा है तो आप उसे ग्रैप कीजिए और अपनी यूजफुल लाइफ में अगर आपको लगता है कि ये ग्रैप करने लगे तो उनको लीजिए, वरना कोई बात नहीं, वॉच कीजिए और दरकिनार करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल वीडियो है तो प्लीज आप इस चीज को जरूर फॉलो कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हमारे ट्रेन मैनेजर साथी हैं, जो आना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं इंडियन रेलवे वर्किंग को, ट्रेन मैनेजर वर्किंग को, उनके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि गुड्स का संचालन वो हमेशा सेक्शन में देखते हैं लेकिन वो उनको नहीं पता होता है कि गाड़ी क्यों खड़ी है। आज इस वीडियो से शायद उन्हें कंफर्म हो गया होगा कि इस वजह से खड़ी है। प्लस लोग सोचते हैं ट्रेन में जब पीछे रहता है भाई खाने पीने की बड़ी दिक्कत रहती है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, हम लोग अपने पास सफिशियंट फूड रखते हैं, ठीक है, अब आप पानी रखते हैं और उसको खाते हैं। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा ही लग गया वो भी खत्म हो जाए तब दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप अपने पास इतना रखिए कि आप एटलीस्ट कम से कम एक दिन तो कवर कर सके। तो वही सही चीज है, मैं अपने जैसे खाना खा चुका, अब जाएंगे थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, ठीक है, वैसे मौसम अच्छा है, पानी अपने पास सफिशियंट है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो बस यही एक वीडियो था, ये एक मैसेज था आप लोगों के लिए कि आप अपना अच्छे से वर्किंग के दौरान अपना ध्यान रखिए और अपना गुड्स का संचालन अच्छे से करिए। तो बस ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो, तब तक बने रहिए सरकारी बुद्धि के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।